देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा से सब कुछ ही गड़बड़ था निखिल और पल्लवी के बीच में, था इनके बीच में भी अपनापन था। तो चलिए फ्लैशबैक में अपनापन और प्यार भरे दिन एक बार इनके भी देख लेते हैं। की बात है जब निखिल और पल्लवी की नई नई शादी हुई थी। पल्लवी के प्यार में वो कुछ इस कदर खोया रहता था कि एक पल के लिए भी अपने आंखों से उसे ओझल नहीं होने देता था। अब नई नई शादी में प्यार भी तो नया होता है, तो इनके बीच भी कुछ ऐसा ही था। अपने पल्लवी को वो इतना चाहता था, तो वहीं पल्लवी भी निखिल पर जान छिड़कती थी। दोनों में इतना प्यार था, इस प्यार को देखकर इस समझ ही नहीं आ रहा है कि इनका प्यार नफरत में कब बदल गया। पल्लवी और निखिल का जो पास्ट है वो काफ़ी खूबसूरत था, और कड़वाहट तो उसके बाद उनके बीच में आई और अब वो अलग हो गए हैं, लेकिन वो जो मेमोरीज हैं वो हम रिलीव कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक डिफरेंट सीन है, फ्लैशबैक का सीन है जो आप लोगों ने देखा। सो इट्स डिफरेंट सीन, सो यू गोना एंजॉय इट। आगे मैं डिटेल्स बता नहीं सकता, आप लोग तो देख चुके हैं, बट इट्स समथिंग कनेक्टेड टू अ फ्लैशबैक। कब ये दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे के बाद तलाक तक आ गई और शादी के कुछ साल बाद ही ये अलग हो गए। ये ऐसा है कि निखिल को गीले बाल बहुत पसंद है, तो इसके लिए ये सीन क्रिएट किया गया है। मैं बता सकता हूँ आपको सिर्फ एक ही चीज़, जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है। So you have to watch it and see the difference, because these are flashback scenes, but they are going to connect to the, you know, present. It's a beautiful romantic scene actually between Nikhil and Pallavi, जहाँ पे उन्हें याद आता है कि कहीं मतलब कुछ सालों पहले हमने ये अच्छी खूबसूरत मेमोरीज बनाई हैं और अच्छी ज़िंदगी भी जी है, और कड़वाहट तो है ही, पर ये चीज़ें भूली नहीं जाती। अब इनके पास्ट में कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन अब पास्ट के बारे में हम नहीं बात करेंगे बल्कि प्रेजेंट के बारे में करेंगे, जहां पर 18 साल बाद ये दोनों एक बार फिर से एक ही छत के नीचे जरूर मिलेंगे। स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।